हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू हेल्थ केयर, आपकी अच्छी सेहत का साथी। हमारा शरीर ठीक से काम कर पा रहा है क्योंकि हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है। खून की कमी अगर हो जाती है तो व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं। शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो आसान से आसान काम करना भी दुर्भर हो जाता है। शरीर में खून की कमी होने से शरीर सुस्त पड़ जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगती है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, आंखों से भी कम दिखने लगता है। आइए आज के इस वीडियो में नजर डालते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स पर जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए। साथ ही वीडियो के अंत में देखेंगे कुछ सिंपल टिप्स जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। अनार, पोमेग्रेनेट। जब शरीर में खून की कमी को दूर करने की बात आती है तो सबसे पहले अनार का जिक्र होता है। अनार खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, इसके कई फायदे भी हैं। यह कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और कई विटामिन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। रेगुलरली अनार का सेवन करते रहने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ने लगती है। कद्दू के बीज, जिसे हम पंपकिन सीड्स भी कहते हैं, कद्दू के बीज में पर्याप्त कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है जो हमें अच्छी मात्रा में आयरन प्रदान करता है, जिसके चलते हमारे शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। आप पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज को सलाद पर डालकर खा सकते हैं या फिर अपनी स्मूदी में भी डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। सेब या एप्पल। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। यह बिल्कुल सही है। सेब का सेवन करने से आप कई बीमारियों से तो दूर रहेंगे ही, साथ ही बीमारियों से दूर रखने के अलावा सेब आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने में बहुत उपयोगी होता है। सेब का रोजाना सेवन करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और आप चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं। चुकंदर या बीटरूट। शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए चुकंदर सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। यह न केवल आयरन में उच्च है बल्कि पोटेशियम और फाइबर के साथ साथ फॉलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। शरीर में हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन के लिए हर दिन चुकंदर का रस पिए। आप चुकंदर और अनार को मिलाकर इसका जूस पिए, यह बहुत फायदेमंद होता है, खासकर खून की कमी को दूर करने के लिए। अंगूर, ग्रेप्स। अंगूर में विटामिन, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में खून की कमी की पूर्ति करते हैं। शरीर में खून की कमी की भरपाई करने के लिए आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं। दाल और फलियां। दालें, मूंगफलियां, मटर और बीन्स जैसे फूड आइटम्स को भी शरीर में खून के स्तर को बढ़ाने के लिए खाया जा सकता है। इनमें मौजूद आयरन और फॉलिक एसिड शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। गाजर या कैरेट्स। अगर हम सब्जियों की बात करें तो उसमें गाजर खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। गाजर का सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है, आंखें अच्छी होती हैं, साथ ही आपको कई रोगों से दूर रखने में भी बहुत उपयोगी होती है गाजर। आप रोजाना गाजर, बीटरूट और अनार का जूस बनाकर पिए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तरबूज या वाटरमेलन। वाटरमेलन में लगभग 91% पानी होता है, साथ ही इसमें 6% शक्कर मौजूद होती है जो बहुत कम मात्रा है। वाटरमेलन या तरबूज न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। जब भी आप तरबूज का सेवन करते हैं तो इससे आपको विटामिन ए, B6 और सी प्राप्त होता है। तरबूज को अपनी डाइट में शामिल करने से आपके शरीर में हुई खून की कमी को बैलेंस किया जा सकता है। बादाम या आमंड्स। यह तो हम सब जानते हैं कि बादाम हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बादाम का रेगुलरली सेवन करने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। बादाम बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप बादाम को भिगोकर सुबह इसका सेवन करें, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। खजूर या डेट्स। यह बहुत ही मीठा सूखा फल है जो एनर्जी से भरपूर होता है और ये सुपर पौष्टिक होता है। खजूर आयरन के पर्याप्त स्रोत प्रदान करता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। हालांकि अधिकांश डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि मधुमेह रोगी यानी कि डायबिटिक्स को इसका सेवन कम से कम करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए फॉलिक एसिड जरूर लें। फॉलिक एसिड एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक होता है।
फॉलिक एसिड की कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है, जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में खूब सारी हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। आप बनाना खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार अंकुरित अनाज का सेवन जरूर करें। अंकुरित अनाज, जिन्हें हम स्प्राउट्स भी कहते हैं, मूंगफली को आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खाएं, इससे भी आपको फायदा होगा। आइए अब देखते हैं कुछ सिंपल टिप्स शरीर में सही ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला है कि आप धूम्रपान छोड़ दें, यानी कि स्मोकिंग छोड़ दें। धूम्रपान करने से हमें कई तरह की बीमारियां तो हो ही जाती हैं, साथ ही ज्यादा स्मोकिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन में भी नकारात्मक असर पड़ता है। शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएं, यानी कि आप व्यायाम करें। व्यायाम करके रक्त प्रवाह को उत्तेजित करा जा सकता है, साथ ही नियमित एक्सरसाइज करने से हृदय रोग होने का खतरा भी कम हो जाता है। वजन कम करिए, अधिक वजन या मोटापा हमारे रक्त के प्रवाह को प्रभावित करता है और खतरनाक जटिलताओं को जन्म देता है। हेल्दी डाइट लें, केवल एक ही तरह के फूड आइटम्स खाने से बचिए। अपनी प्लेट में खूब सारे पौष्टिक, स्वस्थ, संपूर्ण रंग बिरंगे सब्जियां, फल सब शामिल करिए। हेल्दी डाइट और एक बैलेंस्ड डाइट का सेवन करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनेगा। इसके अलावा आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, यानी कि खूब पानी पिए। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ठीक तरह से पानी ना पीने से ब्लड सर्कुलेशन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा आप तनाव कम करिए। रिसर्च साबित करती है कि तनाव का स्तर रक्तचाप को काफी प्रभावित कर सकता है। योग, ध्यान, गार्डनिंग या प्रकृति में समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है, तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।